हम बात कर रहे थे कि जब दंडकारण्य में भगवान राम भ्राता लक्ष्मण कबंद नाम के राक्षस से आमने सामना होता है और वो दोनों भाई कबंद की भुजाओं में सिमट रहे होते हैं। भ्राता लक्ष्मण भगवान राम की तरफ अपने जीवन की सुरक्षा हेतु प्रार्थना करते हैं। वहीं पर भगवान राम बिना धैर्य खोए आंख बंद करके अपने गुरु समय के सद्गुरु विश्वामित्र का स्मरण करते हैं और उनके मस्तिष्क में गुंजन होता है कि राम तुम वीर हो, अपनी वीरता का परिचय दो, गुरु का आदेश हो गया है। राम सजग हो जाते हैं और एकाएक ही अपनी तलवार को निकालते हैं, अपनी खड़ग निकालते हैं और उस कबंध नाम के राक्षस के दोनों भुजाओं को काट देते हैं, जिससे वह शक्तिहीन होकर पृथ्वी पर गिर जाता है और दोनों राम और लक्ष्मण बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कबंध दीन स्वर में बताता है किस प्रकार दुर्वासा जी ने उसको श्राप दिया था और वो एक राक्षस बनकर क्रोच वन में और मातंग वन के से पहले यत्र तत्र भटकता था अपने आहार के लिए। जनमानुष, किसी भी साधारण मानुष को अपना आहार बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। वे कहता है कि राम, रावण, राक्षस राज रावण सीता को किष्किंधा की ओर लेकर गए हैं और मेरे अनुयायी अब तुम्हें मातंग वन में शबरी के यहां ले जाएंगे, वही तुम्हें आगे बढ़ने की उचित सलाह देगी। ये बात कहकर कबंद राक्षस शांत हो जाते हैं, उनका प्राणांत तो हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। कल हमने भैया भरत के बारे में जानने का प्रयास किया था और आज हम माँ शबरी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। हमने कल भी ये चर्चा की थी कि भक्ति जो है, भक्ति का जो बीज होता है हर व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन जब समय आता है तब वो भक्ति का जो बीज है वो प्रस्फुटित होता है, उसमें अंकुर निकलता है। और समय, स्थान और समय के सद्गुरु की कृपा से वह भक्ति का बीज पेड़ बन जाता है और व्यक्ति के जीवन को सार्थक बना देता है, व्यक्ति को तार देता है। माता शबरी जो थी बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थी, लेकिन उनके साथ दो समस्याएं थी। एक कि वो शबर जाति में जन्म ली थी और दूसरा उनका स्त्री का शरीर था। स्त्री का शरीर होना कभी कभी किसी किसी परिस्थिति में अभिशाप हो जाता है। माता शबरी का बचपन से ही परिवार में, संसार में मन नहीं लगता था, तो मन लगाने के लिए उनके पिता ने निश्चय किया कि इसका विवाह कर दिया जाए। विवाह हो जाएगा तो संसार के जंजाल में अपने आप ही बंध जाएगी, बंध जाएगी तो मन तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन विधि को कुछ और ही स्वीकार था। उस समय, आज के समय की तरह नहीं था, उस समय माता पिता संबंध तय कर देते थे, ना लड़का लड़की को देखता था ना लड़की लड़के को देखती थी। विवाह हो जाने के बाद ही दोनों एक दूसरे का चेहरा देख पाते थे। माता शबरी बहुत कम आयु में ही, उस समय तो विवाह भी जल्दी हो जाते थे, कुछ 12-13 साल की लड़की रही होंगी। लेकिन दुखद घटना यह है कि हमेशा से ये होता आया है कि हम लोग बाहरी सुंदरता से आंकलन करते हैं और अंदर आंतरिक सुंदरता को नहीं देख पाते हैं। माता शबरी संसारिक दृष्टि से सुंदर नहीं थी, उनका रंग सांवला था और जब उनके पति ने उनका चेहरा देखा और देखा कि वो सुंदर नहीं है, तो विवाह के कुछ ही समय बाद जब डोली निकलती है तो उनको त्याग दिया।
हमारे प्रेम का कोई तिरस्कार कर दे, हमारे प्रेम को कोई स्वीकार ना करे, तो हमारे दिल को कितनी चोट पहुंचती है। माता शबरी छोटी सी लड़की थी और केवल उसके शरीर के रंग रूप रचना के कारण उसके पति ने उसको एक क्षण में त्याग दिया। ऐसी स्थिति में आजकल हम अखबार में पढ़ते हैं बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव बताते हैं यही आत्महत्या के क्षण जो हैं भक्ति और सन्यास के क्षणों में परिवर्तित हो सकते हैं। माता शबरी ने कहा कि अब अपने पिता के घर तो जा नहीं सकती, अब जाऊं तो जाऊं कहां। उनका अंतर्मन कहता है कि सेवा कर, पर माता शबरी बच्ची है लेकिन समझ रही है कि वो शबर जाति की हैं, उनको हर कोई स्वीकार नहीं करेगा। सोचती हैं सेवा तो करूं पर मेरी सेवा स्वीकार करने वाला कोई है भी। पास में ही देखती हैं कि मातंग ऋषि का आश्रम है, वहां पर ब्राह्मण ब्रह्मचारी निवास करते हैं। मैं वहां दिन में तो नहीं जा सकती, कोई मुझे स्वीकार ही नहीं करेगा, कोई मुझे आश्रम में प्रवेश करने नहीं देगा। तो उसका अंतर्मन कहता है कि ऐसे समय में सेवा करो जिस समय कोई देखे नहीं। तो माता शबरी छोटी सी आयु से ही मातंग ऋषि के आश्रम में रात्रि में सेवा करती, उनके आंगन में झाड़ू लगाती, लकड़ी जंगल से लकड़ी इकट्ठा कर गठरी बांध कर उनके आश्रम तक पहुंचा देती। और मातंग ऋषि की नजरों से कुछ छुपा नहीं था, मातंग ऋषि समर्थ सद्गुरु थे। और ये छुपकर सेवा करना, छुपकर दान करना एक ऐसा गुण है जो ईसाइत ने भी स्वीकार कर लिया है। ईसा मसीह ये कहते हैं कि ऐसे दान करो, ऐसे सेवा करो कि तुम्हारा बायां हाथ ना जाने तुम्हारे दाएं हाथ ने क्या दिया है। लेकिन वह गुण वह संस्कार हम भूलते जा रहे हैं। माँ शबरी छुप के सेवा करती थी, लेकिन उस परमात्मा से उस गुरु से कभी कुछ छुपा है? गुरु देखते थे, मातंग ऋषि देखते थे कि ये पहले तो नहीं होता था, ये कौन है जिसकी सेवा तो दिख रही है पर सेवक नहीं दिख रहा। एक दिन रात्रि में बैठकर इंतजार करने लगे। शबरी हर रोज की भांति झाड़ू लगाती, सफाई करती, लकड़ी इकट्ठा करके आश्रम में लाती और मातंग ऋषि ने दीपक को थोड़ा थोड़ा उजाला दिया, थोड़ी थोड़ी बाती उसमें जली और देखा कि यहाँ तो कोई लड़की आ रही है। जब मातंग ऋषि की आहट सुनी तो माँ शबरी वहां से भागने लगी, लेकिन आज वो दिन आ गया था जब शिष्या का हाथ गुरु पकड़ने वाले थे, और जब गुरु शिष्य का हाथ पकड़ता है तो जन्मों जन्म नहीं छोड़ता। मातंग ऋषि उनके हाथ को पकड़ते और पूछते हैं कि बेटी तुम कौन हो, और वह हाथ झटक के भागना चाहती है, पर आज ऋषि मातंग उनको जाने नहीं देंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं मुझे मत छुइए ऋषिवर, मैं अछूत हूं, नीच जाति की हूं, स्त्री हूं, आप अपवित्र हो जाएंगे। तो कहते हैं तू बता तो सही तू है कौन। तो बताती है कि मेरा नाम शबरी है, मैं शबर जाति की हूं, ऐसे ऐसे मेरा विवाह हुआ था, लेकिन विवाह के कुछ ही समय बाद उसी रात्रि में मेरे पति ने मुझे त्याग दिया था। मैं अपने पिता के घर जा नहीं सकती थी, उनको दुख नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आश्रम में छुप के सेवा करूं। ऋषि मातंग ने शबरी से कहा कि आज से तुझे छुप कर रहने की जरूरत नहीं है, आज से मैं तेरा पिता हूं और तू मेरी बेटी है, और ये आश्रम तेरा अपना है, तू यहीं रहकर सेवा करेगी। और ऋषि यही करते हैं, जो तिरस्कृत होते हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। समय का सदगुरु तिरस्कृत के साथ खड़ा हो जाता है। ये घटना पहले भी घटी थी जब ऋषि विश्वामित्र जी अहिल्या के लिए खड़े हो गए थे, और आज मातंग ऋषि शबरी को स्वीकार कर लिए।
मातंग ऋषि कहते हैं कि आज से ये आश्रम तेरा है, तेरा अपना है, मैं तेरा पिता हूँ, तेरा गुरु भी हूँ। उनको गुरु स्वीकार करती हैं, दीक्षा होती है। मातंग ऋषि कहते हैं बेटी राम राम कर। समय बीतता है, ऋषि मातंग वृद्ध होते हैं, शरीर छोड़ने का समय आ गया है। और क्योंकि ऋषि मातंग एक सिद्ध ऋषि थे, प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राण को सहस्त्रार में चढ़ाकर वो सत्यलोक की ओर गमन करने वाले थे। शबरी वहीं पर सेवा में थी और ऋषिवर कहते हैं कि बेटी मेरा जाने का समय आ गया है। छोटी सी लड़की है, बहुत कोमल हृदय है, बहुत सीधी सादी है, समझती नहीं है, कुछ पूछती है कि गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं वहीं जहां से वापस लौट कर नहीं आना है। तो आप कभी नहीं लौटेंगे? कभी तो लौटेंगे, बता दीजिए। तो मुस्कुराकर कहते हैं अब लौटना कैसा बेटी, अब वहां जा रहा हूं जहां पर सबको जाना पड़ता है। छोटी सी अबोध बालिका रोने लगती है, कहती है कि अगर आप चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी, किसके आश्रम में रहूंगी, आपके अलावा मुझे किसी ने स्वीकार भी नहीं किया। तो ऋषिवर कहते हैं जिसको किसी का आश्रय नहीं होता उसको राम का आश्रय होता है, वो राम ही तेरा आश्रय बनेगा। गुरुदेव के नाम से राम शब्द सुना तो था, पर सोचती है कि उस राम को फिर मैं ढूंढूंगी कहां। पूछती है गुरुदेव वो राम कहां मिलेंगे, मुझे कहां जाना होगा। तो गुरुदेव अपने आखिरी क्षणों में मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं शबरी तुझे कहीं ढूंढने जाना नहीं होगा, वो राम खुद तेरे द्वार तक चलकर आएंगे। यही सदगुरु का आशीर्वाद है। जिस चीज के लिए आप और हम जन्मों जन्म तपस्या करते हैं वहीं पर सदगुरु रीझ कर, मुस्कुरा कर, खुश होकर आशीर्वाद दे देता है, तो परमात्मा मिल जाता है। सदगुरु रीझ कर, कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। गुरुदेव शरीर छोड़ देते हैं, भोली भाली शबरी सोचने लगती है कि मैं तो पूछना ही भूल गई कि वो कब आएंगे, आ जाएंगे, कल आएंगे, कब आएंगे, कितने दिन बाद आएंगे। लेकिन निश्चल मन है, अटूट श्रद्धा है अपनी गुरु की वाणी पर, इंतजार करने लगती है, प्रतीक्षा करने लगती है। हर रोज अपने आश्रम को साफ करती है, कंदमूल इकट्ठा करती है कि कभी तो मेरे राम आएंगे। जल तैयार करती है, प्रभु की प्रतीक्षा करती है। सुबह से दोपहर होती है, दोपहर से रात होती है, दिन बीतते हैं, सुबह दोपहर शाम नहीं आएंगे मेरे राम, ये सवाल है। लेकिन अपने गुरु की वाणी पर शंका नहीं है, श्रद्धा है। हम कुछ ही दिनों में ऊब जाते हैं, कुछ ही दिनों में थक जाते हैं, लेकिन वह छोटी सी अबोध बालिका शबरी, 12-13 साल की लड़की, प्रतीक्षा करते करते अब बूढ़ी हो चली है। बाल सफेद केश हो गए हैं, दांत टूट रहे हैं, कमर झुक गई है, लेकिन अभी भी अपने परमात्मा की प्रतीक्षा में है। क्या हमारे अंदर इतनी पेशेंस है कि हम गुरु के लिए, परमात्मा के लिए इतना वेट करें? यह भक्त का लक्षण है। हम तो चिट्ठियां लिखकर गुस्सा कर सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, लेकिन शबरी क्रोध नहीं कर रही, शबरी इंतजार में है। बुढ़ापा आ गया है और गुरुदेव ने बताया था कि वल्कल वस्त्र में जटाधारी दो युवराज कांधे पे धनुष बाण लिए तुम्हारे दर तक पहुंचेंगे। सामने से कुछ दूर से, अब तो दृष्टि भी धुंधली हो रही है, दूर से दो युवक आते दिखते।
माँ शबरी सोचती हैं कि कहीं यही तो राम और लक्ष्मण नहीं जिनके बारे में गुरुजी ने बताया था। क्या मैं जाकर उनके चरणों में गिर जाऊं? नहीं 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 नहीं, मैं अछूत हूं ना, नीच हूं, नारी हूं, ऐसे भयानक शरीर रूप रंग और वस्त्र वाली को देखकर कहीं वो डर ना जाएं। शबरी सोचती है कि मैंने दूर से ही देख लिया, कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है, बस वो वहां से भी निकल जाए कोई दिक्कत नहीं। आंखें बंद कर लेती हैं। जैसे ही वो आंखें बंद कर कर बैठती हैं, भगवान राम और भ्राता लक्ष्मण उनके सामने आते हैं और कहते हैं, माता आंखें खोलो ना माता। शबरी आंखें नहीं खोल रही हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि अगर भगवान सामने आ गए तो करेंगी क्या। तो राम लक्ष्मण से कहते हैं, देखा लक्ष्मण, हमें आने में देर हो गई ना, इसलिए माता ने रूठ के आंखें बंद कर ली। राम और लक्ष्मण पुनः कहते हैं, माता आंखें तो खोलो। जब माता देखती हैं कि दो सुंदर युवराज उनके सामने हैं, पूछती हैं, आप कौन, आपका परिचय? तो भगवान अपना परिचय देते हैं, मैं हूँ राम, ये है मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। हमारी पत्नी का, रावण ने जानकी का अपहरण कर लिया है और मैं उन्हीं को ढूंढने निकला हूँ, क्या आपके यहाँ कुछ समय बैठकर बात कर सकता हूँ? जब उनको देखती हैं तो उनके चरणों में अपना शीश नवा देती हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और किसी कवि ने ठीक ही कहा है, जो सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन वो सांवरा ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ गया हो, जिसे ढूंढने का अमल पड़ गया हो, वह ढूंढने में भी मजा ढूंढता है। माता शबरी थकी नहीं है और उनके सामने आज भगवान स्वयं प्रकट हो गए हैं और वो कह रही हैं कि मुझ जैसी नीच स्त्री आज ऊंचे भाग्य वाली बन गई है क्योंकि आज वो राम मेरे घर में आए हैं। और मंद मंद मुस्कुराते हुए उनका अंतर मन भजन कर रहा है, अंतर मन गा रहा है, मैं उच्चिया पागा वाली आज राम मेरे घर आए, मैं उच्चिया पागा वाली आज राम मेरे घर आए, रज रज दर्शन पाऊं आज राम मेरे घर आए, नी मैं उच्चिया पागा वाली आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए। समय के सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में श्री बद्रीनाथ धाम में 3 दिवसीय प्रेम साधना आयोजित की जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित इस 3 दिवसीय योग साधना शिविर में सम्मिलित होकर आप साधना एवं ध्यान की गहराइयों में डूबने की कला सीख सकते हैं।